ठहरे औलिया में स्मोग से बचाव के लिए बड़े फैसले। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने जिले और तहसील सतह पर कमेटियां तश्कील दे दी। इंसदादी स्मोग कमेटियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब का धुआं छोड़ने वाली सनतों और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। क्लीन एंड ग्रीन मुल्तान का ख्वाब होगा पूरा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर जीरो वेस्ट ऑपरेशन जारी। शहर से तमाम गंदगी उठाने तक ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सीईओ अब्दुल लतीफ खान का पार्किंग यार्ड से तमाम मशीनरी फील्ड में भेजने की हिदायत। वर्कर्स को शहर में नस 300 वेस्ट बिन को मुकम्मल साफ करने का टास्क भी दे दिया। पाकिस्तान कॉटन जर्नल्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। पाकिस्तान जर्नल्स ग्रुप और पाकिस्तान प्रोग्रेसिव जर्नल्स ग्रुप आमने सामने। 15 एग्जेक्टिव नशस्तों के लिए दोनों ग्रुप्स के 15-15 उम्मीदवार मध्य मुकाबल। रहीमिया खान में 5,40,000 एकड़ पर कपास की फसल जेरे काश। कपास आखिरी मरहले में पहुंच गई। बेहतरीन फसल के लिए जरई माहरीन के मशवरे पर कपास की फसल पर अद्वियात का छिड़काव। माहरीन ने जल्द ही कपास की चुनाई का मरहला शुरू होने की नवीद दे दी। कोट अब्बास में कपास की फसल आखिरी मराहल में दाखिल। शहर के मजाफाती इलाकों में कपास की चुनाई का आगाज हो गया। उधर चिश्तिया में 6 माह बाद कपास की फसल पककर तैयार। किसानों ने फरोख के लिए गल्ला मंडी का रुख कर लिया। किसानों की 6 माह की मेहनत वसूल करने का वक्त आन पहुंचा। काश्तकारों का कहना है कि कपास की फसल पर तमाम तर जमा पूंजी, खर्च और तवील मेहनत की है, वो बेहतर कीमत मिलने से खुशहाल हो सकेंगे। महंगाई से सताई आवाम के लिए बुरी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने महंगाई बम गिरा दिया। घी, कुकिंग ऑयल, केचप, मसाला जार समेत 200 से ज्यादा अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। शहरी महंगाई के बेकाबू तूफान के खिलाफ बिफर गए। कहा कि अगर रियायती नरखों पर अशिया नहीं मिल सकती तो हुकूमत स्टोर्स को बंद कर दे। महावलनगर में यूटिलिटी स्टोर्स पर अवामी रिलीफ के दावे दम तोड़ने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी गायब। सरगोधा में भी शहरी आटे के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। शहरी मार्केट से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। आटा डीलर्स का कहना है कि फी डीलर 100 बोरियों की डिमांड पर सिर्फ 25 बोरियां फराहम की जा रही हैं। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल मूंग की नाकिस क्वालिटी के फरोख बारे अवामी शिकायत। एडीसी रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान का गल्ला मंडी यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। अशिया जरूरत की क्वालिटी को चेक किया। दाल मूंग की नाकिस क्वालिटी के फरोख पर इजहार बरहमी। रीजनल मैनेजर को मुल्तान के तमाम यूटिलिटी स्टोर से दाल मूंग फौरी उठाने की हिदायत कर दी। जनूबी पंजाब के आवाम गंदे अंडे खाने से बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। दूध, मसाला जात, नमक और दीगर खुराक की चेकिंग। 18 फूड प्वाइंट सील। 8,232 अंडे मौके पर तल्ब। 1,840 साशे गुटखा। 50 लीटर ऑयल। 1,220 लीटर दूध। 612 किलो मसाले, चीनी और नमक। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी तफरीगा फोर्ट मनरू हुकूमती अदम दिलचस्पी का शिकार। हर तरफ गंदगी के ढेर। पार्क में सब्जा है ना ही झूले। कुदरती झीलों में सिवरेज का पानी दाखिल। सयाहों के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम ना किए जा सके। 2 सालों से टूटे झूले मरम्मत के मंतजर। म्यूजियम भी खंडरात का मंजर पेश करने लगा। अशिया चोरी होने का इंकशाफ। सयाह शिकवा खुना। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 32 बरस के हो गए। डिस्ट्रिक्ट वार मुल्तान और लैया में सालगिरह की तकरीब। पीपल्स वार्ड फोरम के वकला ने सालगिरह का केक काटा। जलई सदर पीएलएफ शेख जावेद, जलई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काजी एहसान, एडवोकेट शेख खयासुल हक, मेहर इकबाल सरगाना, नगीना मुजफ्फर हेराज, फेरोजा फैज, सदाकत अली समेत जयालों की शिरकत। बहावलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात, 2 खवातीन उम्मीदवारों में मुकाबला। इत्तेहाद ग्रुप खातून नशिस्त भी ले उड़ा। परवीन रमजान चैंबर ऑफ कॉमर्स की खातून मेंबर मुंतखब हो गईं। मैट्रिक इम्तिहानात में कहरोड़ पक्का के रिहायशी मेहनतकश की बेटी ने मैदान मार लिया। 1069 नंबर लेकर तहसील भर के पैप स्कूल्स में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बच्ची के एजाज में स्कूल में तकरीब भी मुनाकिद की गई। फरजाना अमीन ने क्लास नहम में भी दूसरी पोजीशन हासिल की थी।
बूरेवाला सिटी ऑफ एजुकेशन का एजाज बरकरार। डिविजनल पब्लिक स्कूल की तालिबा ने मैट्रिक इम्तिहान में 1092 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल कर ली। नूरुल हुदा ने डॉक्टर बनकर कौम की खिदमत करने का इजहार कर दिया। कहती हैं उनकी कामयाबी असातिज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कलमा चौक का एक और एजाज। मुल्तान के स्कूल्स में सबसे ज्यादा परसेंटेज हासिल कर ली। 88 तालिबात ने ए प्लस और 71 तालिबात ने ए ग्रेड हासिल किया। 91 परसेंटेज हासिल करने पर असातिज़ा और तालिबात खुश। स्कूल में मिठाई भी तकसीम की गई। सरगोधा में पीरो सियाल शरीफ सजादा नशीन साहबजादा हमीदुद्दीन सियालवी मरहूम की रस्म कुल अदा। सजादा नशीन तौंसा शरीफ ख्वाजा मोहम्मद अताउल्ला तौंसवी ने साहबजादा पीर मोहम्मद जियाउल हक सियालवी की दस्तारबंदी की। साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद जियाउल हक सियालवी, साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी और खानदान पीर सियाल लजपाल से ताजियत और बुलंदी दर्जात की दुआ। लाखों की तादाद में मुरीदीन ने शिरकत की। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में आलमी अम दिन के हवाले से सेमिनार। वाइस चांसलर जकरिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अकबर कुंडी समेत दीगर प्रोफेसर और अहम शख्सियात की शिरकत। अमन अमान को फरोग देने के हवाले से तकारीर का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया मुल्तान के जेर एहतमाम जश्न आजादी अम फेस्टिवल अख्तताम पसीर। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, सीईओ एजुकेशन रियाज खान, एमबीए सबीन गुल समेत अहम शख्सियात की शिरकत। तकरीबात में हिस्सा लेने वालों में इनामात और शील्ड्स भी तकसीम की गई।